कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक सफल रही। इस पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी को घेरते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल विपक्ष की बैठक को देखकर घबरा गए हैं, इसलिए आनन फानन में अपनी बैठक बुला लिए हैं। देखिए, आज जो जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र को दबाने का काम, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर करने का जो काम पिछले 9-9.5 सालों में जो हुआ है, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस बात को सभी दलों ने महसूस किया और एक साथ बैठने का निर्णय लिया। पहले पटना में हुआ था और बेंगलुरु में बैठक हो रही है जिसमें 26 दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र के लिए भी और 2024 के चुनाव के लिए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और उसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग बड़े घबराए हुए हैं और इस कारण से वो लोग भी आनंद फानन में बैठक आयोजित किए हैं। तो ये बताता है कि जो 26 दल के जो बैठक हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। अब ऐसा है कि रमन सिंह को पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा शिकार शेर का ही हुआ है, इसी कारण शेर घट गए हैं और उसको सुरक्षित संरक्षित उसके लिए अलग से रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से बात ना करें, सब इंसान हैं और सब राजनीतिक दल से हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे प्रधानमंत्री और आगे भी होंगे, लेकिन शेर वगैरह नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत, अब दुनिया में उसकी संख्या घटती जा रही है।